हेलो ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैंड। आज हमारे साथ मिसेस पृथ्वी रानी हैं ऑन द शो। सो पृथ्वी रानी जी, आंटी जी, आपका बचपन कहाँ से शुरू हुआ, आप कहाँ पे पैदा हुए, आपकी मतलब पेरेंट्स क्या करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा वारंगल डिस्ट्रिक्ट में लश्कर बाज़ार में एक स्ट्रीट था, उसमें मेरा बर्थ हो गया। मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, मेरा मतलब बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट था। तो मेरे दादा मिलिट्री में थे, वो लोग एक्चुअली नॉर्थ के थे, हम मेरे दादा वगैरह। तो इधर जब ब्रिटिश के ज़माने में इधर आ गए थे वो लोग, तो आ जाने के बाद, मिलिट्री से निकल जाने के बाद इधर ही वारंगल में सेट हो गए। तो मेरे दादा को, मेरे फादर अकेले हैं, तो हम लोग, मेरे फादर को हम लोग 11 मेंबर्स हैं, वाह, फाइव ब्रदर्स है, सिक्स सिस्टर्स है। तो मेरे दादी बहुत पुराने, दादा दादी पुराने ख्यालात के थे थोड़ा, तो मतलब लड़कियां पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ के क्या करना है। मतलब हमारी राजपूत फैमिली में तो ऐसा ही चलता तो बाहर ज़्यादा नहीं निकलते लेडीज, तो ऐसे सिचुएशन पे फिर भी हमको 12th क्लास तक पढ़ाए। मेरे बाकी के तीन सिस्टर्स तो पढ़े ही नहीं बिल्कुल, वो घर पे थे। ऐसे 15 साल में उनके ऐसी शादी हो गई, फिर मैं डिग्री में ज्वाइन की तो फिर उतने में मेरी शादी हो गई। आपके पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम याद हैं आपको? हाँ, मेरे दादा का नाम बलराम सिंह था, बलराम सिंह राजपूत। मेरे दादी का नाम लक्ष्मीबाई था। मेरे फादर का नाम ईश्वर सिंह राजपूत था। मेरी मम्मी का नाम ज्ञानूबाई था। वाह, बहुत लोगों को मतलब ये एज में क्या होता है कि वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम जनरली याद नहीं आते, बट बहुत नहीं, मतलब रेगुलर चलते रहता ना, मेरे पोता पोतियों के साथ डिस्कशन चलते रहता, तो वो लोग तो ये सभी शेयर करते हैं आप इनके साथ? हाँ, शेयर करते, हाँ करते। नाइस। तो इनका प्रोफेशन क्या था आपके, मतलब यू नो क्या करते थे आपके पेरेंट्स? मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। ओके। मतलब पहले आरटीसी नहीं थी वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, तो छोटे छोटे गांव को, मतलब एक 200-200 किलोमीटर दूरी पे सब मेरा बसेस का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था, और लॉरीज थी, लॉरीज भी थे। फिर बाद में थोड़ा टैक्सीस लगाए मेरे फादर, ऐसा बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था उनका। मतलब वारंगल डिस्ट्रिक्ट में मेरे फादर का एक नाम से पहचानते थे लोग। बिग फैमिली, यू बेसिकली आप बड़े फैमिली से आए हो। बड़े फैमिली के हम लोग। तो आपके बचपन के दोस्त, आपका घर के आगे माहौल कैसा था बचपन में, कैसा था घर, मतलब इतनी बड़ी फैमिली थी तो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली, तो यू नो घर कैसा था, के नेबर्स कैसे थे, आपको क्या क्या याद है आपके, मतलब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आपका घर कैसा दिखता था और माहौल कैसा दिखता था? मतलब घर मेरा इंडिपेंडेंट घर था, बड़ा था घर, मतलब इतने लोग रहने से तो बड़ा ही रहेगा वो। चले तो मेरे दादा दादी सब फैमिली कंट्रोल करते थे, मेरे मम्मी का तो ज़्यादा नहीं चलता था, मेरे दादा दादी पूरा हम लोगों का परवरिश करते थे वो लोग। ओके। सिर्फ तो घर में बहुत सारा मतलब हम लोग में हम ज़्यादा रहते थे, मतलब बाहर से के माहौल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं था हमारे बीच में। तो हम लोग अपने आप में खेलते थे, ज़्यादा बाहर जाने नहीं देते मेरे दादी हम लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को बाहर नहीं जाने देते थे हमको। भाई लोग तो बाहर जाके, जब बिल्कुल छोटे थे तब खेलने जाते थे, मतलब 7-8 ईयर्स के बाद तो फिर ज़्यादा बाहर जाने नहीं देते थे हमको, जस्ट स्कूल कार में जाना, फिर घर पे आ जाना, ऐसा रहता था। आपके बहुत बचपन के, मतलब जिस जो लाइक स्कूल जाने से पहले या स्कूल जाने से पहले तो घर में हम लोग रहते थे, बाहर कोई रिलेटिव्स के पास नहीं भेजते थे मेरे दादी बिल्कुल। मतलब वो बोलते थे कि इतने बच्चे हैं, तो लोग बोलेंगे अरे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे पूछेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। मतलब मेरे फादर अकेले थे, उनके दो भाई थे, तो उन्होंने मतलब 10-12 साल में उनका डेथ हो गया था, तो तब से उनको डर लगता था कि बच्चों को बाहर नहीं भेजना, ऐसा डरते थे। So, आपके बचपन के टॉयज कैसे थे, आपका स्कूलिंग कैसा था? स्कूल में टॉयज मतलब घर में, वो हमारे बचपन में तो लकड़ी के खिलौने रहते थे,
जैसा समर हॉलीडेज आते तो मेरे भाई हम लोग सब मिलके, एक तो लड़कियां मेरे साथ में थे, मतलब पड़ोसी थे, वो लोग भी आ जाते थे, तो समर पूरा ऐसा ही खेलते थे हम लोग, मतलब कुछ कुछ घर में ओके खेलते आप थे, मेरी मम्मी भी खेलते थे साथ में हमारे, कभी सबको बिठा के ऐसा गाना, मेरी मम्मी हारमोनी बजाते थे, मेरे पापा तबला बजाते थे, तो वाह कभी कभी ऐसा ही माहौल जम जाता था तो हम लोग सब साथ में बैठते थे, गाना ऐसा करते थे, यानी तो दूल्हा दुल्हन का खेल ऐसा तो खेलते थे आपका जैसा खेलते फेवरेट खिलौना कौन सा था बचपन में, बहुत छोटे बचपन में जो आपको याद है? वो छोटेपन में तो शायद बॉल ऐसा कुछ खेलती थी ऐसा लगता मुझे मुझे उतना तो याद नहीं है वो बिल्कुल जो लकड़ी के खिलौने थे उसमें से आपका कुछ फेवरेट कुछ याद है जो अभी भी याद है कि उनके साथ खेलते उतना तो याद नहीं ओके है सो बचपन मुझे में फर्स्ट टीचर जो आपको याद है कि ये मेरी फर्स्ट टीचर है? फर्स्ट टीचर तो सविता मैडम होती है हमारी, तो वो मुझे बहुत लाइक करती थी वो मतलब स्कूल में भी, मेरे फादर गवर्नमेंट स्कूल था तो मेरे फादर वो स्कूल के प्रेसिडेंट थे, मतलब तो मतलब इनके बच्चे हैं बोलकर वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट करके हमको पढ़ाते थे वो थोड़ा हवा लोग चलता था वहां पे भी तो आपके अभी आपके स्कूल डेज के बारे में बात करेंगे, मतलब लाइक 5th क्लास टिल लाइक 10th या 12th जो आप पढ़े थे, उस टाइम में आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स कैसे थे, क्या सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किया, आपका बहुत इंटरेस्ट किस में था? मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था इंटरेस्ट मेरा, मैं हिस्ट्री ज़्यादा पसंद करती थी उसमें, तो हिस्ट्री में मतलब ये जो राजाओं का जैसा रहता ना वार्स, उसके बारे में मैं इंटरेस्ट से पढ़ती थी और अच्छे मार्क्स आते थे मुझे हिस्ट्री में, तो वो टीचर्स भी मुझे दिलचस्पी लेकर पढ़ाने से मैं भी थोड़ा पढ़ सकती थी अच्छे से, तो घर में ऐसा पढ़ो बोलने का माहौल हमारे पास नहीं था, जैसे मेरी मम्मी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो थोड़ा बहुत हिंदी बोलती थी और हमारे साथ थोड़ा बैठ के तेलुगु सीख ली थी मेरी मम्मी भी साथ में बैठ कर ना, शाम के टाइम पर बैठ के सीख लेते थे, तो वो इतना ही बोलते थे बेटा पढ़ लो थोड़ी देर पढ़ते रहो ऐसा ओके बोलते थे बस नहीं, तो मेरे दोनों भाई डॉक्टर्स हैं, तो मेरे बड़े भाई भी सिविल इंजीनियर हैं, तो बाद के दो भाई डॉक्टर हैं, दो भाई तो सिर्फ ग्रेजुएशन करके बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग फादर का बिजनेस तो करते ये स्टेज में जब आपके स्कूल के दिनों में बहुत फेवरेट फ्रेंड्स जिनके नाम अभी भी याद है? हैं। हाँ मेरे मतलब 10th से 12th क्लास तक मेरे फ्रेंड्स, मतलब एक अभी तो पूरे स्टेट्स में सेटल होके हैं वो लोग, तो एक लड़की राजकुमारी बोलकर इधर ही हैदराबाद में है वो, अभी दो तीन फ्रेंड्स पूरे US में सेटल होके हैं, अभी बातचीत उनसे चलते रहती मेरे से तो उन लोग भी काफ़ी पैसे वाले थे, मतलब एक पैसे वालों का ग्रुप बन के था हमारा स्कूल में हाँ, बिजनेस कम्युनिटी में तो ये होता है जनरली कि वो लाइक हाँ माइंडेड पीपल वो बिजनेस कम्युनिटी का एक ग्रुप बन हाँ जाता है, वही ग्रुप था फ्रेंड्स होते हैं, हमारा, वही फैमिली मेंबर्स तो होते हैं। वो स्कूल में हम लोग फेमस थे तीनों चारों लड़कियां बस क्या क्या मस्तियाँ की थी उस टाइम में? मस्ती मतलब सभी अच्छा ड्रेसिंग करना और अच्छे कपड़े पहनना और हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो रनिंग रिंग ऐसा खेलने में पार्टिसिपेट करते थे, और NCC भी था तभी, तो NCC में भी थोड़े दिन चलते थे, लेकिन बाहर कैंप्स को नहीं भेजते थे, लेकिन जहाँ जैसा 26 जनवरी 15 अगस्त जो सेलिब्रेशंस होते थे तो परेड जो उसमें होते हैं उसमें। इंटरेस्ट लेके उसमें ज्वाइन होते थे अच्छे से हम लोग, उसमें मस्ती करना चलता था ऐसा ही तो आप 3-4 लड़कियों का ग्रुप होता था जो हाँ बाकी लोग से थोड़ा अलग रहते थे, बट हाँ अच्छा ड्रेसिंग में उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान हाँ देते थे। ज्यादा
उस टाइम में मेंटालिटी कैसा था आपका, मतलब सोचने का तरीका कैसा था? अभी तो मतलब हर स्टेज में मेरा मानना है हाँ कि सोचने का तरीका बदल जाता है, तो बचपन में उस स्टेज में जब ये चारों फ्रेंड्स थे, हाँ आपका मेंटालिटी कैसा था? मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि बस मतलब पढ़ना मस्ती करना बस। ग्रुप्स मेरे ब्रदर के भी थोड़े फ्रेंड्स आते थे, वो लोग साथ में मिलते थे, फिर शाम में पढ़ना। फिर मतलब बाहर का कोई माहौल से हमको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी, जस्ट हमारे सर्कल में हम लोग घूमते थे, रिलेटिव्स में तो बिल्कुल कनेक्टिंग नहीं थे हम लोग। बस थोड़े फैमिली फ्रेंड्स थे मेरे फादर के, जो नियरेस्ट फ्रेंड्स थे, तो उनके बच्चे और हम लोग मतलब साथ में रहते थे। कभी ऐसा पिक्चर्स चले जाते थे, कभी पिकनिक चले जाते थे, ऐसा एंजॉय करते थे। पढ़ने में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना शाम के टाइम पे, तो मतलब ज़्यादा पढ़ो बोलकर नहीं बोलते थे मेरे फैमिली में, वो पर्टिकुलरली, बेटा अब तुमको पढ़ के क्या करने का है। मेरे दादी स्पेशली, मेरे माँ और फादर तो पढ़ लो पढ़ते थे, ट्यूशन सर को लगाते थे घर पे आके, ट्यूशन सर बोलते थे, वो मैथ्स वगैरह इंग्लिश पढ़ाते थे हमको, तो हम अपने आप ही पढ़ लिए बस। ऐसा कुछ फोर्सफुल पढ़ाई कुछ ऐसा नहीं था मेरे पेरेंट्स के तरफ से। उस टाइम में एंटरटेनमेंट क्या था, मतलब जाते थे मूवीज देखने या घर में कुछ मूवी देखने बस का मौका रहता था या? घर में कुछ ऐसे फंक्शंस चलते थे मेरे पास, कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन चलते रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता। तो पूजाएं होते थे या तो घर में फंक्शंस होते थे, कुछ ना कुछ गाना बजाने का फंक्शन। मेरे फादर भी थोड़ा पहलवान टाइप थे, वो लोग कुश्तियों में जाते थे, तो वो जमाने में कुश्तियों में कंपटीशन लेते थे, मेरे दादा भी लेते थे, मेरे फादर भी। फिर कुश्ती होते रहे तो जाकर देखते थे, ऐसा सर्कस आता था, एग्जीबिशन आता था, उसको हम सबको लेकर जाते थे वो लोग साथ में। पर उस टाइम में मूवीज थिएटर पे जाना वैसा कुछ? मूवीज 12th क्लास के बाद मूवीज को जाते थे हम लोग, तब तक तो मूवीज नहीं देखते थे हम लोग, अलाउड नहीं था बिल्कुल। भाई नाइस। लोग के संगात जाते थे कभी मूवीज, कभी फ्रेंड्स के संगात चले जाते थे तो कौन से मूवीज। मूवीज याद हैं आपको जो उस टाइम पे देखे थे, कॉलेज के टाइम पे? उतना याद नहीं याद? नहीं आई थिंक ये शायद, शोले वोले तो मतलब उसके बाद ही आए मेरे होंगे, बाद शादी के बाद आया में। शोले, मेरा नाम जोकर है, और इससे पहले आई सूरज, थिंक, मतलब हिंदी देखती थी मैं ज़्यादा, हाँ तेलुगु तो नहीं देखते थे। देवानंद के सूरज, मूवीज आते थे आई थिंक, वो उनके मूवीज उस टाइम पे आते थे। नहीं तभी तो ये शमी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, इनके पिक्चर्स ऐसा देखते तो आपके कॉलेज डेज कैसे थे, मतलब कॉलेज में बाहर जाने के लिए मौका मिला या तभी भी आपको मतलब आपको ड्रॉप करके पिकअप किया जाता था, कैसा था आप? नहीं, कभी कभी तो ज़्यादा परसेंट तो पिकअप करते थे, छोड़ना लाना ही रहता था। बसेस थे लेकिन हम कभी बस तो कभी मैं चढ़ी नहीं बिल्कुल, तो ड्राइवर लेकर जाते थे, लेकर आते थे बस। रेस्ट्रिक्शन रहता था। तो मेरी जल्दी शादी, मैं 12th के BA में फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हो गई, तभी मेरी शादी हो गई। अर्ली मैरिज। तो कैसा लगा, मतलब आपको गुस्सा आता था या थोड़ा और पढ़ने का मन करता था या आपको लगा कि ऐसे ही पढ़ने स्टेज का था? मन करता था, तो मेरे दादी के ऊपर थोड़ा डांटती थी मैं, मुझे शादी क्यों करे, पढ़ती थी कम से कम, और 1-2 साल का चांस मुझे देते थे बोलता। वो अपने ही गाना गाते थे कि तुझे क्या पता है ऐसा तो ऐसा। कैसे मतलब ये बहुत अर्ली स्टेज में आपकी जब शादी हो जाती है, जनरली क्या था लोगों को मतलब, ये आप नए फैमिली से जुड़ रहे हो, नए फैमिली में जी जा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था और वहाँ पे रियलिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अभी भी मतलब मैं यू नो अभी लोग अभी 23, 25 या 30 पे ऐसे शादी कर रहे हैं, उन लोग को ही हाँ बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो दूसरे परिवार में जा रहे हैं, दूसरा घर हाँ बसा रहे हैं। आप यू नो ग्रेजुएशन के टाइम में ही शादी हो गई थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस शादी के टाइम पे? मतलब शादी तो एकदम एकदम डिफरेंट था मेरे फैमिली से, वो लोगों का बड़ा डिफरेंट था। तो मेरे फादर बोलते थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को शादी करना बोल के उनका इरादा था, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
उतना कम हमारे फैमिली के जितने कंपैरिजन फैमिली नहीं थे उस टाइम पे। तो मेरे फादर एजुकेटेड लोगों को देना चाहते थे उन्होंने, तो मेरे ब्रदर्स भी वही सपोर्ट करे कि कोई एजुकेटेड पर्सन को दे के शादी करे, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग उतना नहीं थे, मतलब बिल्कुल सैलरी पे लाइफ निकालना बोल तो मुझे थोड़ा तकलीफ होती थी, तो मेरे लाइफ को एकदम डिफरेंट होता था, तो थोड़ा ज़्यादा बहुत बहस हो जाती थी हम दोनों में ऐसा चलता था। तो फाइनेंशियली आपको जो ये था मतलब कंप्लीटली डिफरेंट हाँ इकोनॉमिक कम्प्लीटली जोन में आ गए थे आप। डिफरेंट। फिर कैसे कैसे हाउ डिड यू मैनेज योर फैमिली, कैसा मतलब क्या क्या चेंजेस आपने अपने मेंटालिटी, क्योंकि ये ऐसा स्टेज था जिसमें आप कुछ करने के बजाय आप में ही आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि हाँ यू नो मैं फाइनेंशियली अपने आप को बिल्कुल। चेंज होना पड़ा मुझे हाँ, भी, तो क्या क्या चेंजेस कराए, कैसे आपने ये तो फैमिली संभाली? मतलब एक इनका मतलब मेरे हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, उनके ब्रदर्स को पढ़ाना हो रहा था, तो मैं उनका सपोर्ट करती थी कि ठीक है बच्चे लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ही तो नहीं पढ़ी, तुम पढ़ लिए तुम्हारे भाई लोग भी पढ़ना चाहिए, तो मैं थोड़ा घर में एडजस्ट करके चलती थी फाइनेंशियली, मेरे पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता था मुझे, तो ऐसा चलते हुए मेरे को मैं थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ा मुझे ये लाइफ के लिए, तो वो लोग अच्छे से पढ़ लिए तो अभी मुझे रिस्पेक्ट करते वो लोग आज, मतलब भाभी करने से हम लोग पढ़ लिए एक स्टेज पे आ गए बोलकर, ऐसा थोड़ा वो लोगों से थोड़ा मुझे अच्छा कोऑपरेटिव रहे थे मेरे साथ वो लोग। कभी फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स वैसे आए शादी के बाद, जिसके हाँ वजह से आपको मतलब घर पे सपोर्ट, मतलब आपके पेरेंट्स से सपोर्ट पूछना पड़ा शादी के बाद भी, ऐसे कोई सिचुएशन आया? नहीं, ऐसा सिचुएशन ऐसे कभी सिचुएशन नहीं, नहीं है। नहीं ओके। नहीं मैं खुद एडजस्ट करके चलती थी, वो मतलब वो पकड़ कर वो हिसाब से चलना पड़ता था मुझे भी, तभी मेरे भी बच्चे हो गए तो थोड़ा और भी थोड़ी परेशानी होती थी, तो मगर फिर भी चलता था ऐसा ही एडजस्ट करके चलती थी मैं। तो जब नए घर पे जा रहे हो, घर बसा रहे हो, मतलब जब शादी करते हैं, मतलब दो तीन जी जनरली अब हमारे टारगेट्स हम लोग लगा लेते हैं, बच्चे, हाँ अपना एक नया घर होगा, हाँ अपनी एक नई फैमिली होगी, मतलब वो तो गवर्नमेंट हाँ जॉब में थे, बट यू नो एक अच्छा करियर होगा। तो आपके ऐसे कौन से टारगेट्स थे और कौन से मतलब फुलफिल हुए थे आपके? तो मैं तो मतलब मेरी शादी होने के बाद मैं पूना गई थी, मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे, डीआरडीएल में काम, एआरडी में उधर पूना में काम करते थे, तो मेरी फर्स्ट लड़की रेशमा जब हो गई थी तो मैं सोचती थी कि मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाऊं, तो अच्छे स्कूल में ऐसा मेरा एम्बिशन रहता था, मतलब कॉलोनी में बच्चे डिफेंस कॉलोनी थी वो भी, तो सब मिलिट्री के लोग भी अच्छे 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 पोजीशन वाले थे, उनका भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे मेरे हस्बैंड भी, तो उनके साथ के बच्चों के बराबर मेरे बच्चे भी रहना चाहिए बोलकर मैं सोचती थी, उस हिसाब से मैं बच्चों को करती थी, मतलब मैं अपने आप को कुछ लाविश ज़िंदगी नहीं दे सकती, लेकिन बच्चों को अच्छा लाविश ज़िंदगी देने के लिए मैं कोशिश करती थी ऑलवेज। सर, कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आप चली गई थी, क्योंकि पहले आपका पूरा बिजनेस कम्युनिटी था, सभी यू नो रिच हाँ पीपल का एक कम्युनिटी एकदम बन गया था कम्प्लीटली बचपन डिफरेंट पूरा, था मेरे लिए। और देन क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट कम्युनिटी, वो क्वार्टर्स पूरा एकदम कम्प्लीटली हाँ डिफरेंट स्टेज है। हाँ उसके लिए मुश्किल होता था थोड़ा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना, मतलब मेरे पेरेंट्स भी वही सिखाए थे कि बेटा तुम लोग यहाँ पर अच्छा जिए, लेकिन बाहर जब भी जाते हैं तो लोग बोलते थे कि एडजस्ट करके चलना, तुमको कुछ भी रहे तो हम है पीछे, लेकिन तुम अपने आप को मैनेज कर ऐसा लो। नहीं कि हम जैसा माँ बाप के पास जिए उधर भी ऐसा ही मिलना बोल के, कभी ये बात सोचना नहीं ऐसा बोलते थे मेरे फादर ये उस जो हिसाब हमारा से। शादी के बाद जो जर्नी रहती है, मतलब एज ए कपल बच्चे होते हैं, यू नो एक नए एरिया में, लेट्स से पुणे में, उस टाइम में कोई अच्छे फैमिली मेंबर्स जो जुड़ गए थे आपसे, बहुत कनेक्ट हो गए थे, जो बहुत क्लोज हो गए थे आप लोगों से, फैमिली फ्रेंड्स? नहीं ऐसा कोई फैमिली फ्रेंड्स उतना ज़्यादा जुड़े नहीं थे मेरे साथ, क्योंकि जुड़ने का उतना चांस नहीं मिलता था, मतलब बच्चे का घर का काम ये सब मेरे में रहे, तो ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में जाने का मेरे को
मौका नहीं मिलता था, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहते थे और मुश्किल होती थी मुझे फ्रेंड सर्कल में घूमने के लिए, क्योंकि मैं अकेली घर पे रहती थी तो सब काम मुझे करना पड़ता था, तो फ्रेंड सर्कल मेंटेन करना मुश्किल हो जाती थी मुझे, ऐसा होता तो कितना गैप था आपका, मतलब आपके मैरिड लाइफ वर्सेस बच्चों के, बच्चे होने के टाइम में कितना लाइफ आप यू कुड एंजॉय टुगेदर, था। तो एक शादी और वन बच्चों के ईयर बीच? बस उतना, वन ईयर, वन ईयर के उसमें, ओके, वन सो ईयर के बाद इमीडिएटली। मुझे तो हाँ आपके तीन बच्चे कैसे हैं, मतलब उनके कैसे मेंटालिटीज हैं? सो एक किड का, बंदे ग्रो अप बचपन से लेके आज तक, एक बच्चों का एक एक स्टाइल रहता है, तो वो एक एक में भी आप फर्स्ट कैन लड़की डिस्क्राइब कर सकते मेरी हो? रेशमा है, तो हाँ वो एकदम जैसा रियल राजपूतानी ठकुराइन लगती हो, तो एकदम शार्प मेंटालिटी थी। मतलब उसको स्कूल भी मैं अच्छा, मतलब जो पूना में जो सबसे अच्छा स्कूल था, मैं उसके अंदर उसका एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक उधर कराई थी मैं उसको, तो उसमें पढ़ने में भी काफ़ी क्लेवर थी, और जहाँ भी इंटरव्यू देती थी बचपन से वो सक्सेस होती थी, जहाँ भी अच्छा जाओ। तो वो अच्छा पढ़ ली, तो दूसरा लड़का भी मेरा अच्छा ही पढ़ता था लेकिन शांत स्वभाव का था। दो लड़के मेरे शांत है, लड़की बहुत शार्प है ये, तो ओके, थोड़े नाम के से साथ बताइए, नाम के साथ बताएंगे तो रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो वो दोनों झगड़ा करेंगे किसके बारे में बात कर रही है मम्मी। दोनों मतलब रेशमा और विक्रम दोनों झगड़ा करते थे ज्यादा, तो ओके उसको उतना प्यार भी करती थी लेकिन बचपन में जो जो रहता ना वो दोनों ही करते थे। तो मतलब तीसरा लड़का मेरा है, बलदेव सिंह है उसका नाम, ओके तो मेरे को ये विक्रम के बाद 5 ईयर्स के बाद वो हुआ मुझे, ओके तो ये दोनों भाई बहन उसको बहुत लाड़ करते थे। तो ये नाम किसने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया तीनों का नाम, या मतलब रेशमा विक्रम ठीक है, बलदेव सिंह किसने लगाया नाम? बलदेव सिंह मेरा फादर इन लॉ का नाम रहे, तो मेरे सास बोले कि, तो उनका नाम मतलब वो लगाया? साल उन्होंने उनका डेथ हो गया तो वो बोले कि मेरे ओ हस्बैंड का नाम लगाओ, तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि मेरे फादर का नाम लगाओ, ऐसा। सो मैंने कहा इसमें ठीक साइलेंट है, विक्रम है सबसे साइलेंट। साइलेंट नहीं, बलदेव बहुत साइलेंट रहता, वो ओके साइलेंट रहता लेकिन अपना काम अच्छा, वो सिविल इंजीनियरिंग करा, फिर वहाँ से यूएस जाके उसका एमएस कंप्लीट किया, उधर जॉब कर रहा वो। ओके दोनों लड़के भी मेरे यूएस में रहते हैं, तो इन रेशमा तीनों के में से इधर। आपके रिप्लिका कौन है, मतलब आपके फीचर्स, फेशियल फीचर्स जनरली बच्चों को आता है, सो तीनों में से कौन आपकी तरह दिखता है? विक्रम दिखता मेरे विक्रम जैसा, आपकी तरह दिखता है, हाँ मेरे जैसा लगता नाइस। और मेंटालिटी किसकी, आपकी मेंटालिटी किस में आई, सो आप किस में आपने विक्रम आप में आई मेरी मेंटालिटी, ओके और छोटे छोटे में थोड़ी आई, मतलब शांत मैनेज करने का ऐसा वो मेंटेलिटी आई। कभी कभी ज़्यादा गर्म हो जाता विक्रम बोलने वाला मेरा, तो कभी कभी आउट हो जाती, तो वो भी गुण उसमें ओके आया। बहुत आउट होना, बहुत बहुत कम आउट होती मैं, लेकिन कभी होती तो फिर मैं अनकंट्रोल हो जाती बिल्कुल। वो गुण विक्रम में आया, और शांत स्वभाव तो बल्ले भी है वो। मैंने सुना है कि आप जो नहीं कर पाए आप बहुत चीजें ऐसे रेशमा से करवाती है, आप उनको मोटिवेट करती है कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट की, हाँ आप लड़की को सब कुछ करना है, मतलब ऐसा जीना हाँ है करके। मेरा इरादा तो वही रहता मैं हाँ, तो आप कि बताइए क्या इरादा है, मतलब अगर आप किसी और को भी मैसेज देना चाहते हो एज लेडीज, सो आप क्यों ऐसे रेशमा को ऐसे क्यों बताए, और आपकी आपकी क्या थॉट प्रोसेस है कि लेडीज को कैसा रहना चाहिए? तो मतलब मेरे बचपन में जो मुझे चांसेस जो नहीं मिले मुझे, मतलब डेयरिंगली जीना, इंडिपेंडेंट जीना, ऐसा मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये लगता था कि बच्ची को ऐसा दब के नहीं रहना चाहिए कभी भी, अपनी ज़िंदगी खुद अपने पैरों पे खड़े रहना, और किसी के सामने ऐसा गिरी हुई ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, अपने आप को स्टैंड रख के जीना और अच्छा कमाना, अपना हर चीज़ जो भी ख्वाहिश है पूरी करना, और सामने वालों को भी इम्प्रेस करना कि तुम भी ऐसा बनो, तुम भी ऐसा बनकर जीना सीखो अच्छे से दुनिया में, ऐसा मेरा ये था। मैं तीनों बच्चों को भी वही बोलती थी, अभी भी तीनों बच्चे मेरे कंट्रोल में है अभी भी, ये नहीं कि शादी हो गई इंडिपेंडेंट है तो ऐसा भी नहीं, लेकिन ओबीडियंट है मेरे तीनों बच्चे भी अभी तक भी।
या आई थिंक माँ के साथ हर कोई ओबीडियंट रहता है, कोई ये बिल्कुल मतलब थॉट भी नहीं आता कि माँ के साथ नहीं मैं मैं अपनी बीवी की सुनूंगा, ऐसा मतलब थॉट भी नहीं आता, कोई कितना भी नहीं ट्राई कर ले। हाँ नहीं बीवी की भी सुनना चाहिए, नहीं सुनना बोलकर मैं नहीं बोलती ऐसा, बीवी की भी सुनना, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर है, उसकी बात नहीं सुने तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं आप गलत लग गाइडेंस तो नहीं देते ना पेरेंट्स ऐसा, तो मैं ही बोलती बीवी की बात तो पक्का सुनना चाहिए ओके नहीं सुन के तो नहीं रहना। तो ये मेरे दोनों बहुएं भी अच्छे हैं, जो भी अच्छे से रहते मेरे साथ, मैं जो बोलता वो लोग सुनते, मैं भी उनकी बात सुनती, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते। तो इन सभी में मस्ती बहुत ज्यादा कौन करते हैं तीनों बच्चों रेशमा करती ज्यादा में? मस्ती। रेशमा बहुत मस्ती करती है। हाँ ओके बचपन में तंग बहुत किसने किया? तंग तो ऐसा कोई तंग ज्यादा नहीं किए नहीं बच्चे है, मेरे, सभी सभी हाँ अच्छे थे। हाँ सब में अच्छे से रहे क्योंकि तो जनरली एक एक बच्चों का पार्टी रहता है, मतलब थोड़े डैड के पार्टी में रहते हैं, थोड़े मॉम के पार्टी में रहते हैं, मतलब तो ये तो तीनों किस मेरे मेरे पार्टी में थे लगभग उसके वो मेरे हस्बैंड थोड़ा मिलिट्री रूल्स फॉलो होते, थोड़ा मतलब उन लोग मतलब ऑफिस का माहौल उनका मिलिट्री रूल्स के जैसा चलता, तो वो बोलते घर में भी मिलिट्री रूल चलाना, बोल तो बच्चों को पसंद नहीं आता, तो मैं ही बोलती कि तुम अपने रूल पे रहो, बच्चों को अपने रूल पे चलने दो बोलते तो मेरी बात घर में बच्चे मैं ही ज़्यादा ये करती हूँ उन लोगों को, जो भी एजुकेशन लेवल पे जो भी सोच समझ के पढ़ाना है, फाइनेंशियली पूरा मैं घर में देखती हूँ सब उनका हर लाइफ में जनरली अप्स एंड लोस रहते हैं, आपके लोस जी। कौन से थे और आपके अप्स कौन से थे? मतलब ये बच्चे तभी पैदा हो जाने के बाद थोड़ा जैसा खर्चा बढ़ने लग गया, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते थे, तो मैं टीचिंग जॉब में ज्वाइन हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता फैमिली के, तो मेरे मदर के तरफ से कोई एक्सेप्ट नहीं करते थे जॉब करने के लिए, मेरे हस्बैंड भी उतना कोऑपरेटिव नहीं थे जॉब करने में, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी कि थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता। मैं मतलब पास में था स्कूल, तो 4th 5th क्लास तक मैं टीच कर सकती थी, तो मैं कर लेती थी, तो थोड़ा बच्चों के लिए सपोर्ट हो जाता, तभी थोड़ा अप एंड डाउन चलते थे, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया था, मैं थोड़ा जॉब करती थी तो बस मैनेज कर अच्छा रहे अच्छा थे। मैंने सुना अच्छा आप ठीक। मतलब वो टीचिंग प्रोफेशन को और थोड़ा आगे बढ़ा के आपने स्कूल भी एस्टेब्लिश किया, तो हाँ एक स्कूल एस्टेब्लिश की थी मैं छोटा सा, वो जर्नी कैसा था, तो कैसे शुरू हुआ वो थॉट प्रोसेस? और मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी उससे 1-2 किलोमीटर दूरी पे मैं स्कूल ओपन करी थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी बहुत मेहनत रहता था, मतलब दिन भर खड़े रहना टीच करना, मतलब मैं बच्चों को कम्प्लीटली मैं अपने तरफ से मैं पूरा मतलब दिल ध्यान से पढ़ाती थी, मतलब खाली मैं टीचर हूँ बोलना चले जाना ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, जब तक बच्चे को पढ़ा ही नहीं आई तब तक मैं छोड़ती नहीं थी स्टूडेंट को, चाहे देरी भी हो जाए दो घर से तो भी मैं उनको छोड़ने वाली नहीं थी, तो जितने भी मैं बच्चों को पढ़ाई आज वो बच्चे पूरे अच्छा पढ़ लिख के कभी आते मिलते शादियों में बुलाते मुझे तो मेरा वो कॉन्सेप्ट, और मैं मारना भी बहुत बहुत मारती थी स्टूडेंट्स को, तो मतलब घर में भी मैं बच्चों को पिटाई करती थी नहीं पढ़ने से, तो स्कूल में तो और ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाती, तो मेरे स्कूल के ओनर मुझे बहुत चाहते थे कि ये मतलब ओबीडियंटली टीचिंग करती है, ऐसा करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा अपना भी थोड़ा नाम होता, तो गांव विलेज था मैं ओपन करे से जगह, तो विलेज के बच्चों को पढ़ाने से थोड़ा अच्छा लगता, बल्कि मैं ओपिनियन से फिर मेरे बच्चे बड़े हो तो भी कुछ स्कूल एक एक बच्चे को कोई एस्टेब्लिश करके दूंगी ऐसा सोची थी मैं, तो अपना जो बाहर के स्कूल में मेहनत करते हो वो अपना कर लेने से थोड़ा आगे एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो इससे मोमेंट पे मैं वो स्टार्ट की थी, तो मेरा बड़ा लड़का तो सोची थी मेरे बड़े लड़के के लिए मैं करूँ, बल्कि तो थोड़े साल करने के बाद ये बच्चों का लाइन अलग हो गया, वो बोले कि हम जितने दिन थे उतने दिन मेरे सपोर्ट में था बच्चा, तो वो उसका पढ़ाई हो जाने के बाद वो बाहर जाने का सोचा, मतलब मुझे भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे US जाना, ऐसा मेरे ख्वाहिश थी, तो मैं भी थोड़ा ठीक है
बड़े बच्चे को भेज देने के बाद थोड़ा मैं डल हो गई। तो इनको तो, मेरे हस्बैंड को तो ऑफिस से तो फुर्सत नहीं मिलती थी मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मैं सिंगल पढ़ जाती थी, मेरा छोटा लड़का तभी इंजीनियरिंग करा, तभी बड़ा लड़का जो मेरा चले गया था, तो फिर भी मैं अकेली थोड़े दिन जैसा भी लगाना करती थी। विलेज टाइप है वहाँ पर, थोड़े मतलब थोड़े दादागिरी चलती थी थोड़ा ऐसा, तो उसको सब मुझे थोड़ा थोड़ा वीक वीक हो जा रही थी मैं वो सिचुएशंस को देख के। तो फिर बाद में एक ब्राह्मण फैमिली थी, उसको 3 लड़कियां थे उसको, तो मैं बोली कि उसका सिचुएशन देख के थोड़ा मुझे लगा कि चलो ब्राह्मण से ये लोग एजुकेशन में अच्छा रहते हैं लोग, मतलब मैं बोली कि ठीक है मैं तुमको ये स्कूल डोनेट कर देती, तुम लोग चला लो। तो फिर मैं वो स्कूल उनको डोनेट कर दिया सही, तो वो लोग अभी रन करते हैं स्कूल वो लोग। सो कितने साल आपने रन किया ये स्कूल को? मेरा ओन स्कूल में 11 इयर्स रन करी मैं, 10th क्लास का एक बैच निकाली मैं उधर। वाओ, 11 इयर्स, 1 decade ऑलमोस्ट। हाँ, तो अभी वो लोग 3 लड़कियां हैं, तो एक दो लड़कियों की शादी हो गई, एक लड़की शादी नहीं की, तो वो स्कूल अभी वो रन करती है अभी। तो अभी भी रन कर रहे हैं वो? अब हाँ, अभी भी रन कर रही हो, मतलब छोटा एस्टेब्लिशमेंट से रन कर रहे हो लोग अभी। तो वहाँ पर जैसा मिनिस्टर्स के स्कूल एक खुल गया उधर, जैसा तीगल कृष्णा रेड्डी है उसका ब्रदर, एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद, मतलब जब के लोगों की मेंटालिटी आपके मेंटालिटी को बहुत फर्क हो गया। अभी 20 इयर्स से तो मैं घर पे हूँ, अभी पहला रेशमा के बच्चों को संभालना हो रहा। वो जॉब करती तो उसके बच्चों को संभाल रही थी। अभी घर में थोड़ा मेरी खेती है गांव में, इधर इधर मतलब वारंगल डिस्ट्रिक्ट में जफरगढ़ बोलकर एक विलेज है, तो वहाँ पर मेरे को 20 एकर्स लैंड है मेरा। तो थोड़ा उधर मतलब फैमिली में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था मतलब, तो मैं बोली ठीक है उधर थोड़ा खेती का भी काम देख लेना पड़ता, तो मैं गांव जाती थोड़ा खेती कराती उधर, थोड़े गाय है उधर, गाय को रखती हूँ, थोड़े बकरे ये सब है, उसका भी एक छोटा सा फार्म है उधर, तो मंथली 2 टाइम्स उधर विजिट करती मैं जाकर उधर। तो आपको कौन सा, सिटी लाइफ पसंद आता है मतलब गांव का लाइफ पसंद आता है? मतलब पसंद आने में तो सिटी का लाइफ पसंद आता, गांव में मतलब उतना परफेक्ट रहना मुश्किल हो जाती मेरे लिए जरा, तो इसलिए मैं तो जाती 1-2-3 दिन वहाँ रह कर पूरा सिचुएशन देख कर आ जाती, फिर ऐसा चलता है लाइफ मेरा अभी तक तो। तो आपके मतलब लाइफ में जनरली हर पर्सनालिटी का मतलब हर आदमी के चॉइसेस रहते हैं, एक पर्सनल लाइफ जो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट चॉइसेस रहते हैं, लाइक आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? फेवरेट म्यूजिक तो मेरी मम्मी जो बजाते थे हारमोनी, तो मुझे उनका ही धुन अच्छा लगता बहुत अच्छा आज लगता भी है। आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? जब मेरा फेवरेट धर्मेंद्र है, ममालनी का पैर अच्छा लगता था मुझे। गाने भी अच्छा, आज भी सुनती मैं, पुराने गाने सुनती, नए गाने तो नहीं सुनती मैं अभी, तो ओल्ड पिक्चर्स देखते सुनने देते हैं घर पे, मतलब बच्चे अभी ग्रैंड पे ग्रैंड किड्स एंड ऑल? अभी शाम को ये लोग आ जाते, जब ऑफिस से आ जाते थे बच्चों को, उन लोग चले जाते उधर, तो रेशमा का घर अलग है मेरा घर अलग है, हाँ तो ऑफिस से आते तो बच्चे उधर चले जाते हैं लोग, तो फिर हम दोनों बैठ के पुराने पिक्चर्स देखते हैं, गाने सुनते हैं। और क्या अच्छी चीज है, मतलब ये तो आप आपकी जर्नी पूरा मतलब बच्चों को पालने बड़े करने में ये हो गई, बट आपके फेवरेट्स क्या थे, मतलब किस में बहुत माहिर थे? मतलब थोड़े लोग कुकिंग में माहिर होते हैं, थोड़े लोग बिजनेस में माहिर होते हैं, तो आपका आप मतलब मैं बिजनेस, मेरा माइंड तो बिजनेस माइंड है मेरा एक्चुअली, तभी मेरे जब से मैं संभालती थी तो थोड़ा समझ आई, तब से मेरे फादर का बिजनेस मैं देखती थी थोड़ा। शाम के टाइम पे जितना भी मनी कलेक्शन से मतलब वो पूरा देखती, तो मेरा दिमाग तो आज भी बिजनेस माइंड है मेरा, तो मैं रेशमा को वही बोलती कि कुछ बिजनेस कर तो अच्छे से रहेगा ऐसा बोलती, मैं कुछ संभालूंगी, आज भी मैं संभालने के लिए तैयार हूँ ऐसा बोलती हूँ।
कुछ भी बिजनेस रहे तो मैं करने के लिए तो तैयार हूँ अभी। अच्छा लगता मुझे बिजनेस करना। बचपन से आपका फेवरेट फूड कौन सा रहा? मेरा फेवरेट फूड नॉनवेज था मेरा। नॉनवेज? ओके, मटन चिकन या फिश और कोई नहीं भी नहीं सब कुछ? चिकन हम लोग राजपूत में चिकन नहीं खाते थे, ओके, सिर्फ फिश और मटन। मटन करते थे, डेली खाते थे हमारे बचपन में हम लोग। तो मेरे फादर अच्छा शिकार करते थे, मतलब तो शिकार का मटन बहुत आता था तो हम ज़्यादा खाते थे। ओके, आप जब अपने हस्बैंड को पहली बार मिले थे, यू नो, कैसा लगा? मतलब व्हाट वाज द फीलिंग दैट टाइम? मतलब आप बोले आपके बचपन में ही शादी हो गई थी, बट फर्स्ट टाइम में मिले तो मुझे अजनबी लग रहे थे थोड़ा, मतलब जो मेरे भाई बहन में मैं जो देखती थी वो फीलिंग्स उनमें नहीं दिख रहे थे, मतलब वो एन्जॉयमेंट उनमें नहीं था, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहने से उन्होंने ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर सके, तो वो फिगर उनमें नहीं था। तो मैं धीरे धीरे मैं उनको समझाते गई, तो फिर वो मुझे बोलते थे कि मेरा सिचुएशन ऐसा है ऐसा है, तो फिर मैं एडजस्ट होती गई धीरे धीरे ऐसा। सो ये पूरे जर्नी में आपका फेवरेट एज कौन सा था जिसने आपने भरपूर अपना लाइफ एंजॉय किया, कौन से एज में? मतलब मेरे पेरेंट्स के पास था, मतलब 18-19 इयर्स तक मैं अच्छा एंजॉय करी, फिर वहाँ से मुझे, फिर अभी मैं ये सिचुएशन पे एंजॉय कर रही हूँ अभी तक। अभी 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 हाँ अभी एज ये पंद्रह साल ग्रैंडपेरेंट्स से तो यू आर मैं आराम से एंजॉयिंग इट। एंजॉय कर रही घर पे बच्चों से, जो भी मतलब मुझे चाहता था करना था वो सब मैं अब कर एंजॉय कर सकती। आपका ओल्डेस्ट मेमोरी कौन सा है? मतलब सबसे बचपन का मेमोरी जो अभी भी याद है, मतलब हर लोगों को एक लास्ट मेमोरी तक याद रहता है। लाइक मेरे को लाइक आई कैन ओनली रिमेम्बर लाइक माय थर्ड या फोर्थ क्लास का ही मेरे को याद है, उससे पहले का बचपन याद नहीं। सो आपको कौन सा सबसे पुराना मेमोरी याद है आपके बचपन का? जब मैं 6th क्लास या 5th क्लास में कुछ ऐसा थी, तो मेरे दोनों मतलब मेरे स्ट्रीट के जो लड़कियां थे तो वो लोग के साथ में अच्छा एंजॉय करती थी, खेलने में करने में एंजॉय करती थी वो, मतलब ज़रा गरीब बच्चे थे वो लोग, फिर भी मुझे ऐसा गरीब अमीर का मुझे ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं दिखता था। मेरे बराबर वो लोगों के साथ घर में आके खेलते थे, मेरी एक कैस्ट की लड़की थी वो और मैं और एक लड़की थी, तो हम तीनों मिलके अच्छा खेल कूद करना, ऐसा जो भी मिला अच्छे से खा लेना, ऐसा ऐसा एंजॉय करते थे, आपने कभी अच्छे स्कूल लगते में थे। कहीं भी ड्रामे में पार्टिसिपेट किया? हाँ डांस प्रोग्राम में, हर एनुअल डे को डांस प्रोग्राम मेरा रहता था ओके, जरूर। सो अभी भी बच्चों को कुछ सिखाते हैं आप अभी ग्रैंड पे हाँ किड्स को या अपने बच्चों को? अभी तो उसकी मम्मी सिखा लेती हो, रेशमा तो उसको डांस सिखाई मैं उसको, तो उनके बचपन में भी मेरे बच्चों को भी जैसा गांधी भवन में प्रोग्राम्स होते तो लेके जाती थी, रविंद्र भारती में प्रोग्राम्स होते तो मैं पार्टिसिपेट कराती थी, घर में सिखा कर पार्टिसिपेट कराती थी। मेरा विक्रम तो अच्छा गाना गाता, रेशमा भी अच्छा गाना गाती, वो हर जगह पार्टिसिपेट कराती थी। स्कूल में एनुअल डेज को भी मैं इंकरेज करती थी, टीचर से जाकर मिलना मेरे बच्चों को कंपलसरी ले, मैं उनको सिखा दिया ऐसा बोलता था, बच्चे भी खेल कूद सब अच्छा करते थे हम लोग भी। आपके पेरेंट्स के तीन क्वालिटी बहुत जो बहुत अच्छा बहुत पसंद है आपको, आपके फादर के तीन क्वालिटी और मदर के तीन क्वालिटी बहुत जो पसंद है आपको, आपने उनसे सीखा कुछ? मेरे फादर ये बोलते थे कि बेटा तुम जो मैं तुमको अच्छे से जो जिंदगी दे रहा तो उसको तुम हर हमेशा तुमको ऐसी लाइफ मिलती बोलकर कभी नहीं सोचना चाहिए, तुम सिचुएशन के हिसाब से तुम अपना जिंदगी जीना, मैं बड़े बाप की बेटी हूँ मैं ऐसा ही करूँगी ऐसा नहीं बोलना कभी भी, और जिंदगी गलत रास्ते पे लेके जाती बोलकर बोलते थे वो, एक मेरे फादर का अच्छा लगा मुझे। फिर मतलब उन्होंने जो सोच के हमारे लाइफ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए, हमको शादी कर दिए, तो आज हम लोग
उनको याद करके जो भी है हमको पेंशन आता तो हम अच्छे से जी सक रहे, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होके, बच्चों पे भी डिपेंड नहीं होकर जीते, तो उन्होंने जो भी करे वो काम अच्छा किया, मुझे अच्छा लगता। मेरी नाइस मम्मी भी वही सीख देती थी, बेटा घर में जैसा रहा वैसा तुम एडजस्ट करके चलना, इसमें माँ बाप का नाम रहता है सब, उनका ये अच्छा लगता। तो ये दोनों में से आपका जो मेंटालिटी आई बीच में, मतलब गुस्सा नहीं आता बट आता है तो बहुत जोर से आता है, सो ये किन से आया? मम्मी से आया, आपके मदर से आया या फादर से आया? मेरे फादर से आया ये, मेरे फादर भी ज्यादा गुस्सा नहीं करते थे किसी को भी, जब आता था तो ड्राइवर्स उनके घर पे नहीं करते थे वो लोग, लेकिन बाहर लोगों से जो होता था काफी डरते थे मेरे फादर से लोग, बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होने से तो कभी कभी मारते, तो फिर इतना मारते थे, इतना मारते थे वो फिर दिखाई ही तो नहीं देता था ऐसा करते। ये मारपीट की जो बात आ रही है, मतलब हम लोग को लाइक अभी अब अपने बच्चों को आपने यू नो मारते थे जब हमने, आपको कभी बचपन में ऐसे मार पड़ी जब आपने गलती की, ऐसे एक दो इंसिडेंस जो आपको याद है नहीं जिसमें आपको नहीं मार पड़ी? कभी मेरे पेरेंट्स कभी हाथ नहीं लगाए हमको, ये तो नाइंसाफी है, कभी आपको कभी नहीं मारनी नहीं पड़ी नहीं बट नहीं बिल्कुल, वो बहुत मेरे आप दादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना, मुंह से अभी बोलो लेकिन हाथ नहीं उठाना होता, क्योंकि मेरे दादा को लड़कियां नहीं थे, तो 7 जनरेशंस पे हमारे पास बच्चे नहीं थे, मतलब कोई बच्चा नहीं था, अकेले अकेले थे, तो अब ये 7th जनरेशन हमारा था, तो 11 मेंबर्स थे हम लोग, तो वो बोलते कि लड़कियों को बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, बोलते वो लोग जो जितना मस्ती करे वो मायके में करेंगे, फिर ससुराल में गए तो उनको ऐसा चॉइस नहीं मिलता, इसलिए लड़कियों को कुछ नहीं बोलना आपने इतना लाइफ देखा है आंटी जी, जो जी। आपने बचपन देखा है अपना, देन आपने मतलब आपने टीन एजर्स देखी है, स्कूल कॉलेज लाइफ देखी है, फिर बाद में आपकी शादी हो गई, फिर आपने एक वाइफ का यू नो रोल निभाया, फिर बाद में आपने एक मदर का रोल निभाया, आपने फैमिली को देखा बिकॉज आपके हस्बैंड बिजी थे तो आपने अपने पूरे फैमिली का सपोर्ट दिया, मतलब 3 बच्चों को संभालना भी यू नो आसान यू नो टास्क नहीं है, तो वो जी देखा। सो ये पूरा जर्नी के बाद अभी नाउ यू आर अ ग्रैंड पेरेंट, सो ये सभी मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए लाइक हाउ इज द फीलिंग ऑफ बीइंग अ ग्रैंड पेरेंट, मतलब एक ग्रैंड पेरेंट होने के ग्रैंड मदर होने का फीलिंग कैसा है? ग्रैंड मदर होने का फीलिंग तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब बच्चों के साथ जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहते उनको बोलते रहती, तो वो बोलते कि नानी क्या बोल रहे तुम, ऐसा जिए क्या, ऐसा जिए क्या, वो डिस्कशन करते। ये रेशमा का लड़का बड़ा है, वो इंटर सेकेंड ईयर कर रहा है वो अभी, तो वो समझता, छोटा वाला बहुत नॉटी है वो नाना के संगत जाता वो ज़्यादा, वो तो बड़ा वाला मेरे साथ ज़्यादा लगाव रहता, तो बोलते रहता, तो ज़्यादा पर्सन मेरे पास रहता, छोटा तो उसके पेरेंट्स के लिए चले जाता रात में, बड़ा तो मेरे पास रहता वो, तो वो नाना को डांटते रहता, नाना ज़्यादा कम आवाज़ नहीं करना, घर में गड़बड़ नहीं करना, उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक है मेरे हस्बैंड को, ओ MA LLB LLM करे वो, तो वो बोलते कि कभी कभी एडवोकेट के जैसा बात करे तो वो बोलते कि नाना खामोश ऐसा कोर्ट में जैसे बोलते मजाक करते रहते बच्चों के संग, तो मैं ऐसा एंजॉय करते हैं। तो कोई हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो आपने बचपन में देखा था, वो चीजें आपके ग्रैंड किड्स के साथ कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ रिपीट नहीं कर रहे वो लोग। रिपीट मतलब मेरे बेटे के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो नहीं कर मतलब वो तो US में है, मैं समर में जाती हूँ उनको, तो अच्छे से थोड़ा पढ़ाई लिखाई कराती, वो उनसे मेरे से भी अटैच हो गए, तो डेली फोन पे बात करते कि दादी आ जाओ अमेरिका आ जाओ तुम तो शायद उनमें कोई क्वालिटीज आ सकते होंगे मुझे लगता है अभी। तब कितने हैं, मतलब पूरे 6 हैं या 4 हैं? छः नहीं, 6 रेशमा को तो 2, विक्रम को 2, बलदेव को 2 इनमें से कौन सा दो फेवरेट है, या सभी मतलब ये स्टेज में ग्रैंड मदर होने के बाद सभी एक ही तरह रहते हैं, सब एक ही तरीके से, सब एक ही ऐसा तरह कुछ रहते हैं? डिफरेंस नहीं है। एक लड़की है,
छह में से एक ही लड़की है, बड़े विक्रम को लड़की है, तो वो ये सब पांचों का प्यार पूरा वो लड़की में चले जाता था। वो भी रेशमा के टाइप पे है वो लड़की भी, उनको भी आपने हेरी यही सिखाया होगा, मतलब जी हेरी। ले अपनी जिंदगी। वो अपने आप ही आ गए, गुण आ गए उसके, रेशमा के गुण आ गए नाइस। उसमें। सो ये सभी जर्नी आपकी जो थी, ये अगर आप किसी को बताते हो कि लाइफ ऐसा जीना है, तो आप अभी क्या बताते हो किसी को लाइफ, मतलब वो मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है बट बाहर के लोग हैं, वो आपके पास आते जी हैं, सो उनको क्या मैसेज देते हो लाइफ के बारे में? मैं इतना ही बोलती कि लेडीज अपने मोमेंट को देखकर हस्बैंड का कोऑपरेट करते हुए, बच्चों को कोऑपरेट करते हुए लाइफ को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि एक्सपोज करके बाहर जाकर फैमिली को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो भी है अपन एडजस्ट करके अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे लाना, वो एम रख लेकर चलना लेडीज में सब। मेरा तो ये ओपिनियन और आपने स्कूल भी चलाया है, तो इसके बारे में आप जनरली किसी को एडवाइस देते हो कि कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ ना कुछ कमाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ? है। हाँ, मैं टीचर्स को बोलती थी कि तुम लोग मेरे पास आज थोड़े दिन करते, मतलब अनमैरिड लड़कियां ज्यादा थे मेरे पास से, तो थोड़ा पुअर लड़कियों को भी मैं लेती थी कि ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके उनको भी। तो मैं बोलती थी कि तुम लोग और थोड़ा एजुकेशन ले लो मेरे तरफ से भी, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए तो भी मुझे बोलने से मैं शेयर करती तुमको। तो मैं काफ़ी लोगों का मैरिज वगैरह कराई मैं, गरीब लड़कियों का, जिसको फीस नहीं रहता तो उसको फीस देती थी। ब्राह्मण फैमिलीज मेरे पंडित के बच्चे थे, तो वो मतलब थोड़े बच्चों को मैं एजुकेशन के लिए पैसे वगैरह फीस वगैरह बांधती थी, नाइस। ऐसा काम तो करती आपने थी थोड़ा मैं। सोसाइटी को भी दिया हाँ, मैं है। टीचर्स को तो काफ़ी सपोर्ट करती थी, इवन मैरिजेस में भी कम ज़्यादा कुछ ऐसा हो गया तो थोड़ा सपोर्ट करती थी तो उनका। आपको फुलफिलिंग लगता है जब ऐसे चीजें करते हाँ हैं, तो हाँ किसके लिए मैं करते हैं, मतलब मतलब आपको नाम के लिए करते हैं या आपको नहीं ऐसा नहीं मतलब ना, नाम सेटिस्फेक्शन के के लिए? लिए नहीं, नाम के लिए नहीं करती थी, जस्ट मैं करना बस उतना ही। नाम नहीं, नाम करने, नाम आना बोलकर मुझे ऐसा कभी सोचती नहीं थी। जस्ट जो भी है अपने से जितना भी हो सका उतना लोगों को हेल्प करना चाहिए, मतलब अपना देखते हुए दूसरों को हेल्प करना चाहिए, ऐसा मेरे पूरे फैमिली में वही है। मतलब हम लोग जो भी 11 भाई बहन हैं सब लोग वही उसमें चलते थे, मेरे फादर भी ऐसा ही चलते थे, मतलब काफ़ी लोगों को सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए, ऐसा अभी जब पढ़ाने फैमिली के लिए। गैदरिंग होती है, शादी होती है, जब जी पृथ्वी रानी एंटर होती है उस शादी में, तो वो क्या लेके आती है? मतलब सभी, मतलब कोई बहुत हंसी मजाक में बहुत अच्छा बात करता है, कोई मतलब गॉसिप या स्टोरीज करते हैं, मतलब एक एक क्वालिटी रहती है जब गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग होती है। लाइक से अभी अभी ये एज में आप अगर किसी की शादी पे जा रहे हो, तो आप पृथ्वी रानी क्या लेके आती है अपने साथ? मतलब जो एंजॉय करने का मोमेंट लेकर आती मैं हाँ लोग में बैठने से। हम लोग जब गैदर होते तो मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी फैमिली हम लोग बहुत कम लोगों में देखते हैं, मतलब छोटे से चीज़ को भी हम बड़ा करके खुशियाँ बांटते हैं, ऐसा खुशी एंजॉय करते, छोटी सी चीज़ को, मतलब छोटा सा बर्थडे भी रहेगा, छोटा सा केक लाएंगे, लेकिन एंजॉय ज़्यादा करते हैं उसमें हम लोग, ऐसे ऐसी फैमिली है मेरी, तो ऐसा ही हम लोग एंजॉय करते नाइस। सो आपने बहुत एंजॉय करना। सीखा है, मतलब बड़ी फैमिली से आने के बाद भी आप ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस को बहुत एंजॉय करने का ये आई थिंक सीख लिया आपने। सो अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना चाहते हैं, मतलब अभी कुछ ऐसा प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स? और यू आर सेइंग ओके मैं अभी रिटायर हो गई, बस बस बच्चों के साथ खेलना है, मतलब ग्रैंड किड्स के साथ खेलना है, वो है, या नहीं, अभी भी आप कुछ करना चाहते हैं? कुछ अगर मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब अभी तो मैं खेती का काम पूरा देखती हूँ, अभी गांव जाकर खेती का काम देखना करना, मतलब आजकल खेती में तो ज़्यादा फायदा नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब खेती को बचाने के लिए तो करना ही पड़ता हो, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता खेती, लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं ऐसा। इस तरीके से मैं दो नौकर, तीन नौकर रहते हैं मेरे गांव में उधर,
जाना, उनको देख लेना, तो उसमें थोड़ा बिजी रहती मैं अभी। और भी कुछ होता तो मैं कर सकती, ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठी हूँ, ऐसा मेरा कोई ये नहीं है। और कुछ आपके लाइफ जर्नी में जो बहुत मेमोरेबल हो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि ये अभी रिकॉर्ड हो रही है तो आपके बच्चे देखेंगे, आपके पौते देखेंगे, पौते ग्रैंडकिड्स देखेंगे बड़े होने के बाद, मतलब ये सालों सालों तक रहेगा। सो और कुछ आपके लाइफ जर्नी में आप जो बताना चाहते हो इस रिकॉर्डिंग में? मेरे तो क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो अभी अभी आपको बताना है। मतलब मेरे लाइफ के जैसा ही उनका लाइफ शेयर कर, मेरे लाइफ में शेयर करो बोलकर मैं नहीं बोलती, लेकिन उनके इंडिविजुअल क्या क्या सोच है उसको बाहर लाकर तुम लोग एक अच्छा स्टेज पे आना, इतना ही, यही लिमिट बल्कि मत रखो तुम लोग, आगे भी कुछ हमसे ज़्यादा कुछ करो तुम लोग, ऐसा बोलना चाहती मैं इन लोगों को कि हम इतना ही करें, नानी भी इतना ही करें, नाना मामा इतना ही करें, बल्कि ऐसा मत सोचो तुम लोग कि तुम और भी ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करो, जैसा कि मतलब एक तरीके से ऊपर आने की कोशिश करो, कोई बेईमानी बदमाशी कुछ नहीं करना, सिंसियरिटी से जो लाइफ आगे बढ़ाना चाहते उसको बढ़ाने का बोलती हूँ। अभी भी मैं उनको वही बोलती हूँ कि ये झूठ बोल के फ्रॉड करके ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना, जो भी है सच्चाई से ईमानदारी से पढ़ो लिखो अच्छे से, जो भी आता लोग उनसे शेयर करो, जो नहीं मालूम है सो चीज़ों से पहचान बनाओ उसकी, ऐसा मैं चाहती हूँ उनसे, ये उम्मीद करती हूँ बोल नहीं बच्चों से। अगर आपको आशीर्वाद देना है पूरे आपके फैमिली मेंबर्स में, नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन मतलब अगले दस जी बीस जनरेशंस को, क्या ब्लेसिंग्स दोगे? मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए ब्लेसिंग करेंगी मैं तो, खुशहाल जिंदगी जियो, यही लाइफ में चाहती कि कोई बदनाम की नहीं हो जिंदगी में, अच्छा नाम कमाने के लिए जिंदगी जीना, बुरा नाम तो जल्दी आ जाता है लेकिन अच्छा नाम करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रगल करने से तकलीफ है तो उसको तकलीफ में नहीं सोचना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा सोच के आगे बढ़ना, तकलीफ को तकलीफ कभी नहीं समझना उसको, हम आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बात करके। मतलब मैं तो पूरा ऐसा लग रहा, मैं तो आपके जर्नी की, मैं आपके साथ मैं चल के पूरा जर्नी देख के आया थैंक हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक्स अ लॉट आपका जर्नी शेयर करने के लिए, बिकॉज ये खाली आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, मतलब अपने बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं, आपके खाली रिलेटिव्स के लिए नहीं, ये बहुत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है। क्योंकि आपकी जो जर्नी थी फ्रॉम यू नो वेल सेटल्ड फैमिली, आई वुड से रिच फैमिली, यू यू वेंट टू अ यू नो अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड देन वहाँ पे आपने पूरा मतलब फैमिली संभाला है, नई फैमिली बच्चों को देखा हुआ है सस्टेन करके, मतलब आपकी फैमिली को सपोर्ट लिए बिना आपने ये सब कुछ किया है, और आपने स्कूल मतलब अपने हस्बैंड और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपने स्कूल भी ओपन किया है, स्कूल को रन किया है 11 साल। ये सभी एक मतलब स्ट्रांग वुमेन की एग्जाम्पल है, एंड आई एम श्योर ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ये फॉर एवर लाइफ में एक वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वुमेन का एक यू नो एग्जाम्पल की तरह रह जाए। जी सो थैंक थैंक यू पृथ्वी रानी जी, बहुत अच्छा यू, हुआ आपको मिलके। भी वेलकम करने के लिए थैंक थैंक यू, यू, मिलेंगे कभी। थैंक ओके थैंक यू, थैंक यू जी। यू।